हाँ जी किसको सी मामी जो है ये मुंबई का फेस्टिवल है एज वी ऑल नो एंड इसमें हम सब जो बम्बई में क्योंकि हमारा सब सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है बॉलीवुड बम्बई में है तो यहाँ इस फेस्टिवल का होना बहुत लाजमी है क्योंकि जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं हम भी हैं वो ये सिनेमा देखते हैं और उससे हमारा सिनेमा प्रभावित होता है और उस सिनेमा से हमारा सिनेमा बेटर होता है तो मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े जो फेस्टिवल्स होते हैं कैन में बर्लिन में वहाँ जा सकते हैं कोई लोग पर जो हमारे ढेर सारे फिल्म मेकर हैं जो अब इतनी अच्छी फिल्में बना रहे हैं पर्टिकुलरली वो जो अंधेरी वर्सोवा ओशिवारा बेल्ट में तो ये पूरा सिनेमा उनके घर के पास आता है तो मैं समझता हूँ इस फेस्टिवल में बड़ा योगदान है कि ऐसा अरे कैसे हैं आप बोलिए जी दिखाई जाने वाली थी एमएनएस के फैट की वजह से कैंसिल कर दी इसके बारे में क्या कहेंगे देखिए ये फेस्टिवल की प्रॉब्लम नहीं है ये इस वक्त हमारे देश की समस्या है कि हमको क्या करना चाहिए हम सब कंफ्यूज घूम रहे हैं क्योंकि क्या हमको आर्टिस्ट और टेररिज्म को अलग नज़रिए से देखना चाहिए कि एक नज़रिए से देखना चाहिए इसमें सिर्फ मामी फेस्टिवल तो उसमें एक छोटा सा बिंदु है एक हल्का सा एक कतरा है उस दरिया में जिसमें इतना तूफान उठा है माई व्यू इज दैट एवरीबडी शुड गो टू द मामी फेस्टिवल एंड सी द फिल्म्स दैट इज माई व्यू टुडे एब्सोल्युटली आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट हाँ जी आज सिर्फ मामी की बात कीजिए इतना बड़ा फेस्टिवल इतने लोगों ने इतनी मेहनत करके फेस्टिवल किया लेट्स टॉक अबाउट लेट्स सेलिब्रेट मामी यू नो आई हैव टू टेल यू दैट यू गाइज वर हियर बट आई हैड टू गो इन एंड सी इट आई नॉर्मली डोंट डू दैट आई रिस्पेक्ट द प्रेस आई फर्स्ट टॉक टू यू बट आई कुडंट रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ गोइंग इन एंड इट इज एब्सोल्युटली अस्टाउनिंग हैव यू सीन इट प्लीज सी इट Please see it. I think if I was doing this, I would let you go one by one. You have to see inside. It's absolutely incredible. It took me back to times when I came from Kashmir as a little kid and I wanted to see Opera House, you know. It's almost nostalgic. It's taken me back to my days of struggle and coming here to Charni Road in a local train and buying a ticket and seeing the Opera House. It's even better than what it was. It's wonderful. Wonderful. कश्मीर से आया था जी क्या इस बार कुछ सरप्राइजेस हैं जी इस बार हम लास्ट टाइम कश्मीर से डेलीगेशन आया था इस बार भूटान से डेलीगेशन आ रहा है और भूटान भी मेरे लिए उतना ही प्यारा है जितना कश्मीर है मैं कश्मीर को बहुत मिस करता हूँ लेकिन मैं जब भूटान जाता हूँ तो मुझे कश्मीर भी भूल जाता है क्योंकि भूटान मेरे लिए एक दूसरा कश्मीर है मेरा दूसरा घर है भूटान ऐसा मैं समझता हूँ डीप डाउन आई एम बुद्धिस्ट सो इस बार भूटनीज लड़कों को बुलाया है उनको हमने स्पॉन्सर किया है उनको हमने पर्सनली स्पॉन्सर करके यहाँ हम बुलाए हैं उनका प्राइम मिनिस्टर हैं जो मिस्टर श्रिंग टॉपगे उनका मैं आभारी हूँ आई होप ये भूटान में चले और वो सुने ये मेरी बात दैट आई एम ग्रेटफुल टू द रॉयल हाइनेस ऑफ भूटान एंड टू द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ ए पर्सनल फ्रेंड श्रिंग टॉपगे एंड आई एम सेइंग थैंक यू फॉर सेंडिंग द भूटनीज डेलीगेशन थैंक यू मैं आपसे बात करूंगा मुझे कोई जल्दी नहीं है वहाँ लाइन भी नहीं लगी हुई क्यों टेंशन ले रहे हैं मैं आ रहा हूँ नहीं मैं आ रहा हूँ तभी तो आए हम बताइए जी नहीं ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि डिवाइडेड ऐसे देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बॉलीवुड है ना ये वर्ड ही गलत है क्योंकि बॉलीवुड कुछ है नहीं एक अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग किस्म का सिनेमा बनाते हैं तो उनकी सोच एक जैसी कैसे हो सकती है हम 5 साल में एक फिल्म बनाते हैं आप देख लीजिए हमारा रिकॉर्ड पीके के पहले 3.5 साल पहले थी मुन्ना भाई पास कई लोग हैं जो 1 साल में 5 फिल्में बनाते हैं 10 भी बनाते हैं
तो उनकी सोच और हमारी सोच कैसे एक सोच होगी? अलग है ना सोच भाई। तो देखिए, फिल्म की बुलिंग को आप भूल जाइए, किसी किस्म की बुलिंग ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं यहाँ भी आया हूँ और मुझे यहाँ कोई बुली करे या आपको कोई बुली करे, आप प्रेस वाले खड़े हैं और कोई आके आपको धक्कमशाही करे, बोले हट जाइए, तो आपको लगता है सही है? तो कोई भी बुलिंग ठीक नहीं है, चाहे वो सरकार की हो चाहे वो प्रेस की हो, क्योंकि आप लोग भी बुली करते हैं, ये भी छाप दीजिएगा। तो किसी की बुलिंग सही नहीं है। तो बुलिंग जो है वो वर्ड ही गलत है, वो होना ही, और इन्हें डेमोक्रेसी ये होना ही नहीं चाहिए। हमेशा बॉलीवुड एक सॉफ्ट टारगेट होता है सर, तो क्या कहेंगे? देखिए, सॉफ्ट टारगेट होता है क्योंकि उनकी फिल्में बाहर जा रही हैं, उनकी इंडस्ट्री नहीं है जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनके साथ सॉफ्टली बात करें, प्यार से बात करें, धक्कमशाही की कोई ज़रूरत नहीं है। समय समय देखिए, मैं ना ट्विटर पे हूँ ना फेसबुक पे हूँ, और ट्विटर पे होता क्या है, ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आजकल क्या है कि 10,000 रुपये खर्च के आप ट्रेंड कर सकते हैं, कुछ पैसे खर्च के फ्रंट पेज पे आ सकते हैं, प्रेस के सामने कह रहा हूँ मैं आपको, तो इसका मुझे कोई शौक नहीं है, ना मैं वो पढ़ता हूँ ना मुझे उसमें ज़रा दिलचस्पी है। Yes, let's talk about Japan. PK is releasing in Japan on Diwali. हाँ, तो ये thank you for asking me. ये बात कीजिए आप कि कैसे हमारा सिनेमा भारतवर्ष से दूर जा रहा है। PK ने चाइना में, जैसा आपको पता है, कई, मैं पैसों की कभी बात नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत बहुत लोगों ने फिल्म देखी PK, और अब जापान में देखने जा रहे हैं, चाइना में। ये हमारा सिनेमा, इसको देखिए आप। आज आपने जो बात कही है, ये बात कोई कह नहीं रहा है, मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि वेयर आर सिनेमा इज रीच, दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन सिनेमा, ऑफ आर सिनेमा। यस, आई वॉच दैट ट्रेलर एंड आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल। आई रियली लाइक आमिर एज ए आर्टिस्ट एंड आई थिंक ही इज एक्सेलिंग हिमसेल्फ। देखिए, आमिर पागल इंसान है और हम उसको इडियट कहते हैं, जैसा आपने थ्री इडियट्स में देखा, तो ऐसा काम कोई इडियट ही कर सकता है। एंड वो इडियट होना बहुत ज़रूरी है। इडियट अगर आप नहीं हैं तो आप ज़िंदगी में बस कुछ पैसा वैसा बटोर के अपनी शक्ल कहीं लगा के चले जाते हैं, इडियट्स रह जाते हैं, समय समझता हूँ। भाई साहब, आपका सवाल नहीं, आप कुछ तो बचा हो गया है। नहीं, इनका जरा मैं पूछ लूं, भाई इनको मैंने रोक दिया था, पूछिए। जी, देखिए, पाकिस्तान में मैंने इंटरव्यू दिया था टेलीविज़न में, तो वहाँ पर काफ़ी मेरे से PK के बारे में बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा आपने PK बनाई, आपको ये नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हिंदुस्तान, क्योंकि ये दोनों जो प्रेस भी है और लोग भी हैं, प्रेस खासकर, मैं नहीं समझता लोग, तो फिर मुझे उनसे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि PK में हमने कहा है सरफराज धोखा नहीं देगा, हाँ हाँ कहा मैंने कहा।